You can watch this video with English audio on my alternate channel youtube.com/careermasterchannel. आप इस वीडियो को इंग्लिश ऑडियो के साथ मेरे alternate channel youtube.com/careermaster पर देख सकते हैं. Welcome to my channel. मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम. See you at 2022 की लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट जानकारी के साथ मैं इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं. आगे वीडियो में मैं आपके साथ सीएट 2022 से रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए. लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएँ. एक सवाल आप में से कई लोगों ने पूछा है कि सीएट 2022 के पीजी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा. आगे वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने जा रहा हूं, आप ध्यान से वीडियो को देखें. स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है. व्हाट विल बी द नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड इट्स पैटर्न. इंग्लिश में लिखा गया है, ऑल क्वेश्चन पेपर्स विल बी एमसीक्यू टाइप जनरल क्वेश्चन पैटर्न फॉर पीजी. ये पैटर्न दिया गया, पैटर्न वन में सीरियल नंबर वन, क्वेश्चन पैटर्न, पेपर कोड. द नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 एंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अगर पीजीक्यूपी वन की बात करें, इसका पैटर्न अलग है. पार्ट ए 25 क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन वर्बल एबिलिटी. पार्ट टू में 75 क्वेश्चन होंगे डोमेन नॉलेज क्वेश्चन कंप्राइजिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड सोशल साइंसेज मैथमेटिक्स एंड साइंस. आगे बढ़ते हैं. पीजीक्यूपी और जो भी दूसरे पेपर कोड दिए गए हैं इनके लिए द नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 एंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इसमें भी दो पार्ट्स होंगे. पार्ट ए में 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इन सब्जेक्ट से, इन एरियाज से, और पार्ट बी में डोमेन नॉलेज 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इसी तरह से इन पेपर कोड्स के लिए भी पार्ट ए पार्ट बी होगा. पेपर कोड 60 के लिए दिखा गया है 25 और 75 का डिवीज़न हर जगह है, बस थोड़ा सा नेचर ऑफ क्वेश्चन चेंज होगा. जो 25 क्वेश्चन है उन्हीं का नेचर चेंज हो रहा है. पीजीक्यूपी 38-40 के लिए आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे पार्ट ए पार्ट बी नहीं है. इसके अलावा कुछ बातें और बताई गई है कि कैंडिडेट्स जो हैं एक से ज़्यादा कोर्स, एक से ज़्यादा स्लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको द कैंडिडेट शुड रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द कोर्स एंड द यूनिवर्सिटी फॉर हिच He she is applying and check the eligibility of the university where they are seeking admission. आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करनी है, वहाँ पर पता करना है कि कैसे, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, किन किन कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं. फॉर पी जी क्यू पी 08, 60, 74, 78 ओनली वन कोर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. एक ही कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं. इसी तरह पी जी क्यू पी 05 के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, द क्वेश्चन पेपर विल बी इन संस्कृत ओनली फॉर आचार्य शिक्षा शास्त्री एंड शिक्षा आचार्य कोर्सेज. इसके अलावा कुछ और जानकारी दी गई है. तो जैसा कि आपका सवाल था कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाया है. तो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी हासिल हो चुकी होगी. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट इज द मीडियम ऑफ पेपर. द सीएट 2020 विल बी बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी और स्पेसिफिक लैंग्वेज वेयर रिक्वायर्ड. यानी इंग्लिश और हिंदी में तो क्वेश्चन पेपर होगा ही, उसके अलावा अगर सपोज आप संस्कृत में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर वो क्वेश्चन पेपर संस्कृत में पूछा जाएगा. तो इस वीडियो में इतना ही, ऐसे मेरे वीडियोस को देखते रहें. थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर सीयू 2022.